फाइनल मैच में बड़ा धमाका करेंगे। कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। भाई साहब वीडियो में जो जो बोला, कसम से बता रहा हूं, जो मेरे वीडियो के टिप्स फॉलो करा होगा ना, ग्रैंड लीग में मेगा कॉन्टेस्ट जो 2 करोड़ 3 करोड़ वाला जो फर्स्ट प्राइज था ना, वो भी जीत सकता था। क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरनाक प्रेडिक्शन दिया था कि भाई अभिषेक शर्मा आज बॉलिंग से पक्का विकेट लेके देगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और सामने में राजस्थान की तरफ से राइटी भरा पड़ा है, और वही हुआ। आपने देखा होगा अभिषेक शर्मा बैटिंग से फ्लॉप था, लेकिन भाई साहब 2 विकेट लिया। सोचो किस लेवल का प्रेडिक्शन दिया था, किस लेवल का। क्लियरली बोला था कि अभिषेक शर्मा को ग्रैंड लीग टीम में अगर डायरेक्ट कैप्टन बना देना आप। 2 विकेट लिया था भाई, 2 विकेट। ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा आज अभिषेक शर्मा पे, क्योंकि ये आज बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करेगा, और बॉलिंग से हो सकता है कि किस्मत साथ दिया तो 1 विकेट भी ले जाए, और बैटिंग तो ओपनिंग बैटिंग करेगा, इसलिए ड्रॉप करना थोड़ा सा बेवकूफी होगा। इसलिए हम आज के मैच में अभिषेक शर्मा को ड्रॉप नहीं करेंगे। समझ में आ रहा बात? क्योंकि देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, सामने में राइटी बहुत ज्यादा राइटी है, सिर्फ एक जायसवाल को छोड़ के पूरे पूरे राजस्थान रॉयल्स में राइटी भरा पड़ा है, राइट हैंड बैट्समैन, तो उसके खिलाफ अभिषेक शर्मा को लाया जाएगा। ठीक है, खास करके कैडमोर के खिलाफ लाया जाएगा, संजू सैमसन के खिलाफ लाया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो वहां पे क्या है अभिषेक, उसके बाद जो सबसे खतरनाक प्रेडिक्शन दिया था भाई आप लोग को, कि आज के मैच में शहबाज अहमद, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पक्का बॉलिंग करेगा, राजस्थान की तरफ से राइटी भरा पड़ा है, और पता कितना परसेंट सिलेक्शन था शहबाज अहमद का, 3% सिलेक्शन। शहबाज अहमद की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और वही बात है, उधर आरआर की तरफ से अगर देखोगे तो राइटी भरा पड़ा, तो इसको भी आज बॉलिंग मिलेगा, पक्का इसको बॉलिंग मिलेगा, या तो इसको बॉलिंग मिलेगा या तो अभिषेक शर्मा, दोनों में से किसी एक को, और मतलब उसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है। 3 मैच में 3 विकेट लिया है, तो आज जीएल के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, लिख लो आप जीएल के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर, जो कि सिलेक्शन बहुत कम होगा, शहबाज अहमद। एक बार अगर आप टीम बना रहे हो, किसी एक टीम में जरूर रखना शहबाज अहमद को। ठीक है, मुझे लगा आज 1 विकेट तो इसको मिलेगा। ठीक है, 1 विकेट तो पक्का मिलेगा, क्योंकि ये पूरे 4 ओवर बॉलिंग करेगा आज, नहीं तो 3 ओवर पक्का, और 1 विकेट साथ में अगर रन दे दे तो दे दे, वो तो किस्मत की बात है, बाकी शहबाज अहमद को ट्राई कर लेना है। जो मेरे लाइव सेशन को देखा होगा ना, वीडियो को देखा होगा, धमाका किया होगा, 3% सिलेक्शन, अगर मिनी ग्रैंड लीग में भी रख लिया होगा ना, चाहे कोई भी कैप्टन वाइस कप्तान होगा, वो मिनी ग्रैंड लीग भी जीत गया होगा। क्लियरली बोला था कि आज ये पक्का बॉलिंग करेगा, पक्का, और भाई साहब 3 विकेट लिया। सोचो 3% सिलेक्शन, 125 पॉइंट दिया शहबाज अहमद ने। हेनरी क्लासन के बारे में मैंने क्लियरली बोला था कि आज ये 50 से प्लस रन बनाएगा, लिख के ले लो, सबसे बेस्ट कैप्टन स्मॉल लीग का होगा, वही हुआ था। उस हेनरी क्लासन आज सबसे बेस्ट रहने वाला है, आज हेनरी क्लासन को जीएल में जरूर कैप्टन बनाना, और मैक्सिमम टीमों में कैप्टन बनाना। उस दिन अगर हेनरी क्लासन थोड़ा सा और खेल जाता ना, तो आपका भाई 2 करोड़ जीत जाता। आज हेनरी क्लासन को मैं फिर से कैप्टन बनाऊंगा, कम से कम 6 टीमों में कैप्टन बनाऊंगा हेनरी क्लासन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, 18 का एवरेज रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे, लेकिन 25 का एवरेज रिकॉर्ड है आरआर के केस में, पिछले मैच में 32, उसके पहले 42, कोई बड़ा पारी नहीं खेला, आज के मैच में कोई बड़ा पारी खेलेगा हेनरी क्लासन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा, साथ में विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देके जाएगा, विकेट कीपिंग भी करेगा, साथ में बैटिंग भी करेगा, दोनों करके देगा। उसके बाद लाइव सेशन में चिल्ला चिल्ला के बोला था कि आज का मैच हैदराबाद जीतेगा, हैदराबाद ही जीतेगा, क्योंकि पैट कमिंस का कैप्टनसी बहुत खतरनाक आपको देखने को मिलेगा। और पता है, मैंने जो स्मॉल लीग टीम बनाया था, फुल्ली हैदराबाद के फेवर में टीम बनाया था पूरी, बस वही बात है, मेरा लक साथ नहीं दिया, लक इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि स्पिनर गेम में आ गया था। लेकिन आज का मैच आपको बता दूं, ये मैच भी चेन्नई में है, आज देख लेना, आप लोग को पहले बोल के विन करवाऊंगा, आप लोग को 10 मिनट से पहले स्मॉल लीग टीम दूंगा और बोल के विन करवाऊंगा, और ग्रैंड लीग तो भाई साहब आज जैकपॉट है, क्योंकि आज का मैच कोलकाता वर्सेस हैदराबाद का है, और भाई साहब देखो आज भी एकदम उलट फेर देखने को मिल सकता है। सबको लग रहा है कि कोलकाता जीतेगा, कोलकाता जीत सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जीतेगा जितना आप आसानी से सोच रहे हो। और आज फाइनल है, तो भाई फाइनल के लिए स्पेशल गिवे तो रहना चाहिए, तो आज के वीडियो में स्पेशल गिवे है, जितने लोग हो सब लोग कॉमेंट आज जरूर करना। सबसे पहले मैं कुमार सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, गौतम सर को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मैं CSK वर्सेस GT के वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर किया था, और जिससे मैं ये बोट का एयर ड्रॉप जीता है। सो थैंक यू कुमार सर, थैंक यू। आप भी, आप सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आप भी ऐसी तरह गिव अवे विनर हो सकते हैं।
थैंक यू, लव यू कुमार सर। बाकी जो फाइनल टीम देता हूँ वो मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा? वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, ठीक है? पहले कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। आप देख सकते हो ऐसे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखा देगा जिसमें कितना 409,000 लोग ज्वाइन हो चुका है। 409,000 लोग आपको टेलीग्राम पे दिखाई देगा। आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना सर्च कर सकते हो। क्या करना है? टेलीग्राम ऐप पे जाना, सर्च करना @KUMAR508TFC, Kumar508TFC, ये सर्च करना, आपको 409,000 का टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है? बिना स्पेस डाले हुए Kumar508TFC लिखना, आपको 409,000 का टेलीग्राम चैनल दिखा देगा, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना। वरना सबसे आसान तरीका है, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, आप क्लिक करके भी हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हो। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं गिवे के बारे में। तो भाई साहब आज फाइनल है, तो फाइनल में धमाका है, 15 लोगों को गिवे मिलने वाला है, लेकिन 5 मेरे तरफ से एक्स्ट्रा है। चलो मैं 20 कर देता हूँ, क्योंकि आज फाइनल मैच है ना, तो 20 कर देता हूँ, 20 लोगों को आज गिवे मिलेगा, ओके? टॉप 5 कमेंट ऐसे होगा, जो सबसे पहले कमेंट करेगा, 15 लोग रैंडम कभी भी कमेंट कर सकते हो, कितना भी कमेंट कर सकते हो, तो 20 लोगों को आज गिवे मिलने वाला। पहले तो मैं तहे दिल से कुमार भाई एंड Kumar508 जो हमारी पूरी फैमिली है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुमार भाई ने KKR वाइज MI वाले मैच में मेरे को एज ए लक्की विनर एड्रॉप में चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस IPL में मेरे को कुमार भाई के से YouTube से बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं उनका बहुत बड़ा बिग फैन हो गया। और इनका जो लेवल है प्रेडिक्शन लेवल, जैसे पिच रिपोर्ट, बैटिंग, विनिंग जोन, कौन बेस्ट बॉलिंग करने आएगा, तो ये सब चीज़ें मेरे को इस IPL में बहुत कुछ सीखने के लिए, जो आज से 2022-23 या उससे पहले नहीं मिलती थी। तो मैं ये सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी Kumar508 को फॉलोअप कीजिए और कुमार भाई को पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए और आने वाले मैचों में भी। थैंक यू। तो फटाफट आप लोग एक एक कमेंट नीचे जरूर करना, जितना हो सके उतना भी कर सकते हो, लेकिन एक कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक का टारगेट है, फाइनल मैच है, तो 50,000 तो आज होना चाहिए। 50,000 अगर आप लोग कर देते हो ना, तो आज स्मॉल लीग बोल के विन करवाऊंगा, वन साइडेड, जितना लॉस है वो कवर कर सकते हो, और ग्रैंड लीग भी आपको 2 ग्रैंड लीग का टीम दूंगा, ठीक है? कहां पे दूंगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप गिवे जीतते हो तो सिर्फ आपको प्राइज नहीं मिलेगा, आपका पिक्चर भी सम्मान के पूर्वक हमारे वीडियो में दिखाई देगा, ठीक है? और साथ में कल के वीडियो का विनर देखो, पटेल भाई ने जीता है वॉच। उसके बाद देखो यहाँ पे विश्वदीत कुछ प्रसाद करके है, उसने जीता है। राणा जी करके है WR, इसने जीता है। तो सारे भाइयों ने गिवे कल जीता है। देखो 15 लोग विनर था, ठीक है? सबिता कुमारी करके कोई है, वो विनर। विजय कुमार है, आपका आवाज़ कमाल का है, इसको मेरा आवाज़ पसंद आया। तो भाई साहब एक बात और बताता हूँ, मैं हमेशा डेली बताता हूँ, बी अवेयर। अवेयर क्यों रहने के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो गिवे आपके पास जाता है ना पार्सल के थ्रू, तो आपको पार्सल वाले को, कुरियर वाले को 1 रुपया भी नहीं देना, सब मेरे तरफ से होता है, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके? आप अपना फ़ोन नंबर अपने कमेंट के नीचे डाल देना। और कैसे डालना? एग्जांपल के तौर पे अगर 94 है तो NINEFOUR ऐसे करके लिखना है, ठीक है? ताकि हमारा टीम आपको कांटेक्ट करे, आपसे व्हाट्सअप नंबर लेगा। और देखो फिनिश हो गया है IPL, आज लास्ट मैच है, तो भाई साहब आपको मिल जाएगा, 10-15 दिन के अंदर आपको गिवे मिल जाएगा, तो पेशेंस रखना, सबको मिलेगा, ठीक है? आगे चलते हैं, वेन्यू के बारे में समझते हैं। ये मैच कहाँ पे खेला जाएगा? चेन्नई में। जैसे आपको बताया कि स्पिन फ्रेंडली नेचर है, यहाँ पे स्लोवर बॉलर को हेल्प मिलता है। सिंपल सी बात है, मैंने कल आप लोगों को समझाया था चार्ट के अकॉर्डिंग कि भाई साहब यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ग्राफ बनाओ बनाना, और 55% बैट्समैन को हेल्प मिलता है, और सीधे सीधे 30% जो मिलता है वो फास्ट बॉलर को, बाकी जो बचा 15%, ठीक है, 15% जो बचा वो मिलता है स्पिनर को। तो ये कुछ स्टोरी है, बाकी जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट है वो हम आपको कहाँ पे बताएंगे, लाइव आएंगे कल, ठीक है? मैं मैच देखने के लिए नहीं जा रहा हूँ, अपने सब्सक्राइबर को भेज दे रहा हूँ जो विनर बना है, बाकी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि चेन्नई नहीं पहुँचा ना। अगर चेन्नई जाता फाइनल तो मैं भी जाता फाइनल देखने के लिए। तो कल मैं लाइव आऊँगा 5:30 बजे,
5:45 पे आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाना, वहाँ पे भी हम ढेर सारी बातें करेंगे, पिच रिपोर्ट वहाँ पे बता देंगे टॉस के बाद, जो पिच रिपोर्ट आता है टॉस से पहले वो, बाकी हम आपको टेलीग्राम पे भी पिच रिपोर्ट देते हैं ऑडियो के साथ, पिच का फोटो, स्मॉल लीग की टीम, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल देखोगे 138 मैच खेला गया, जिसमें कि 72 फर्स्ट बैटिंग करने वाला और सेकंड बैटिंग करने वाला 64 टाइम जीता है। ओके, कल भी आपने देखा होगा जो मैच जीता था वो फर्स्ट बैटिंग करने वाला ही जीता, यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने वाला आराम से मैच जीत जाता है। बाकी पिच रिपोर्ट अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आगे और हम आपको समझाते हैं, लेकिन हाँ देखो यहाँ पे स्पिनर को ना, स्पिनर को 25% हेल्प मिलता है, फास्ट बॉलर को 75%। दोनों टीम 27 बार मैच खेला है, कोलकाता 18 बार जीता है, हैदराबाद 9 बार जीता है। यहाँ का एवरेज रन कितना होता है, 160। चार मैच का रिकॉर्ड आपके सामने है, जिसमें कि हैदराबाद और राजस्थान की तरफ से अगर देखोगे ना तो 9 विकेट और 7 विकेट कितना होता है, 16 विकेट गिरा था कल, 16 विकेट गिरा था, 16 विकेट में हैदराबाद का 9 विकेट और राजस्थान रॉयल का 7 विकेट, जिसमें कि 10 विकेट फास्ट बॉलर ने लिया था, 5 विकेट स्पिनर ने लिया था, बाकी रन आउट हुआ था। इधर से देखोगे 12 मई 2024 को राजस्थान वर्सेस चेन्नई के साथ मैच खेला गया था, यहाँ पे 10 विकेट गिरा था और यहाँ पे फास्ट बॉलर को 6 विकेट, स्पिनर को सिर्फ 3 विकेट मिला था। 1 मई 2024 को चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स के साथ मैच खेला गया था, जिसमें कि 5 विकेट फास्ट बॉलर ने और स्पिनर को 4 विकेट मिला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो चेन्नई वर्सेस हैदराबाद का मैच खेला गया था, यहाँ पे 13 विकेट गिरा था, जिसमें कि हैदराबाद का ज़्यादा विकेट गिरा था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 12 विकेट फास्ट बॉलर को, स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिला था। अगर आप देखोगे ना फास्ट बॉलर यहाँ पे 33 विकेट, स्पिनर को सिर्फ 13 विकेट मिला है, और फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग के मुताबिक यहाँ पे देखोगे ना तो स्पिनर सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट लेता है। ये कल भी समझाया था, आप लोग ये बात मानते नहीं हो भाई साहब, कल भी आप देखो सेकंड इनिंग में स्पिनर ने ज़्यादा विकेट लिया, फर्स्ट इनिंग में कोई भी स्पिनर वर्क नहीं करा था। यहाँ पे देखो ग्राफ क्या है, सेकंड इनिंग में स्पिनर ज़्यादा विकेट लेता है, तो ये चीज आप लोग फॉलो क्यों नहीं करते हो ग्रैंड लीग में यार, ग्रैंड लीग में फॉलो करोगे तभी तो जीतोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हेड टू हेड मैच की बात करते हैं, तो हैदराबाद वर्सेस कोलकाता का मैच खेला गया था, जिसमें कि 159 रन का पारी खेला था हैदराबाद, ठीक है, 10 विकेट गिरा था, त्रिपाठी, हेनरी क्लासन और पैट कमिंग्स, बढ़िया पारी खेला था। यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन भी था कि पैट कमिंग्स बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगा, नटराजन ने 1 विकेट, पैट कमिंग्स ने 1 विकेट लिया था। इधर से गुरबाज 23 रन, सुनील नारायण 21 रन, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर, यहाँ पे हमने ग्रैंड लीग जीता था याद है, 12 लाख हमारा विनिंग हुआ था इसी में, जिसमें सुनील नारायण ने 1 विकेट, 2 विकेट चक्रवर्ती और स्टार्क ने 3 विकेट लिया था और 8 विकेट से कोलकाता जीता था। दूसरा मैच अगर देखोगे तो फिलिप साठ बढ़िया पारी खेला था, ये मैच खेला गया था 23 मार्च 2024 को, इसमें भी कोलकाता ही जीता है, जिसमें कि सबसे बेहतरीन जो पारी खेला था वो रसल खेला था और विकेट भी रसल ने ही लिया था और हर्षित राणा। इधर से देखोगे तो सबसे बेहतरीन जो पारी खेला था हेनरी क्लासन और विकेट लिया था नटराजन ने और मयंक मार्कंडे। देखो लीग 11 पे आपके लिए 50,000 का फ्री गिवे है, देखो फाइनल मैच है तो फाइनल में कैसे नहीं बड़ा गिवे लेके आएंगे, तो आज भी आपके लिए लीग 11 पे 50,000 का फ्री गिवे है, देख सकते हो एकदम बिल्कुल फ्री है 50,000 का गिवे है, और ये उसी को दिखाई देगा जो मेरे रेफर से डाउनलोड करोगे। अगर आपने पहले लीग 11 डाउनलोड कर रखा है तो आपको ये गिवे दिखाई नहीं देगा, जो कंपनी का गिवे होता 15,000 वो दिखाई देगा, लेकिन ये नहीं दिखाई देगा, ये मेरे रेफर से डाउनलोड करोगे तभी दिखाई देगा। तो लीग 11 का लिंक कहाँ पे मिलेगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दोनों में आपको दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। रेफर कोड मांगे तो कुमार फाइव जो डाल देना, 1 लाख से प्लस लोगों ने डाउनलोड करके रखा है मेरे रेफरल से, तो आप लोग भी करो, क्यों लेट कर रहे हो, मैं 3-4 साल से खेल रहा हूँ यहाँ पे। 50,000 का फ्री गिवे है, साथ में देखो जीएसटी फ्री है, टीडीएस फ्री है, सिर्फ गिवे से फायदा नहीं है, आपको जीएसटी और टीडीएस दोनों फ्री मिलेगा। अगर आप 100 रुपये डिपॉजिट करोगे ना तो अगर वॉलेट में 100 रुपये डालते हो 100 के 100 मिल जाएगा, और अगर 100 से अगर आपने 10,000 विन कर लिया, 10,000 विड्रॉ मारोगे ना, अगर आप प्रॉफिट में रहोगे तो भी 10 के 10 मिल जाएगा। सोचो अदर प्लेटफॉर्म पे जाके देखना, अगर 10,000 अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया ना, विड्रॉ मारोगे 7,000 मिलेगा, तो यहाँ पे जीएसटी टीडीएस दोनों फ्री है। खेल के देखो, लीगल एप्लीकेशन है और सबसे लोवेस्ट एंट्री फीस है, लीग 11 जैसा एप्लीकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि एक नंबर वन अगर देखोगे ना, नंबर वन पोजिशन पर जाने वाला है, लीगल है भाई, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, ऐसा मत समझना कि आपका टैक्स अगर आपको नहीं लग रहा तो ये नहीं दे रहा, ये डेली 4 लाख 5 लाख 6 लाख अपन गवर्नमेंट को दे रहा जो आपका टैक्स है वो, तो फटाफट डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फर्स्ट कमेंट में लिंक है, फटाफट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं भी यहीं पे खेलता हूँ। प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि दोनों टीम की तरफ से कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि द बेस्ट प्लेइंग 11 है, और बॉलिंग देखो यहाँ से यहाँ तक तीनों बॉलिंग करेगा, मिचेल स्टार्क,
वरुण चक्रवर्ती हासिल रहना है, 4-4 ओवर करेगा पक्का, 4 ओवर 4 ओवर 4 ओवर। इधर से सुनील नारायण 4 ओवर और रसल 4 ओवर। कहाँ है रसल भाई, ये रसल 4 ओवर, ठीक है। इधर से देखोगे तो भाई साहब वही सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाला है, नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंग्स, यहाँ पे ओवर कट भी हो सकता है, फिर से हो सकता है। इधर राइटी देखो, राइटी और लेफ्टी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं अगर रसल है, रसल और नीतीश राणा और वेंकटेश्वर सैयर, ये अगर बैटिंग बैटिंग अगर करते हुए दिखाई दिया तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फिर से आज शहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा को बॉलिंग मिल सकता है। इसलिए इन लोग को ड्रॉप मत करना आज जीएल में, फिर से ट्राई करना शहबाज अहमद को, ठीक है, ओके। बाकी आगे चलते हैं, अब हम लोग कोलकाता के प्लेयर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है सुनील नारायण, भाई साहब मस्ट है पिक है, चेन्नई में मैच है भाई, और चेन्नई में ये विकेट लेता ही लेता है, 10 मैच में देखोगे 14 विकेट और 10 का एवरेज है। मैं तो बोलता हूँ आंख बंद करके सारी टीमों में कैप्टन बनाओ, स्मॉल लीग में तो बनाओ बनाओ, बाकी ग्रैंड लीग में भी बनाओ, और 2-3 मैचों से ये रन नहीं बनाया तो आज ये रन से भी पॉइंट देने वाला है आपको, 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा सुनील नारायण। सबसे सेफ कैप्टन है, आंख बंद करके कैप्टन बनाओ, ठीक है। क्यों बनाओ, क्योंकि इस वेन्यू पे देखो 10 मैच में 14 विकेट लिया, और यहाँ पे स्पिनर को विकेट भी मिलता है, ऊपर से राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, और सामने देखोगे लेफ्टी भी है, ऐसा नहीं कि लेफ्टी नहीं है, स्टार्टिंग के 2-2 लेफ्टी है, तो पावर प्ले में भी बॉलिंग मिल सकता है। ट्रेविस एंड अभिषेक शर्मा दोनों लेफ्टी है, तो पावर प्ले में भी सुनील नारायण बॉलिंग कर सकता है, तो आज के लिए सबसे ज्यादा ट्रम्प कार्ड प्लेयर सुनील नारायण है, ठीक है, ये तो रखो ही। और मैं तो बोलता हूँ कि भाई आज आंख बंद करके ना मैक्सिमम टीमों में कैप्टन बना के चलो, 10 के 10 टीमों में कैप्टन बना के चलो। अब गुरबाज की बात करते हैं, पिछले महीने में 23 रन का पारी, अगर सेकंड इनिंग बैटिंग करा तो गुरबाज अगर देखोगे ना मोस्टली सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहता है, फर्स्ट इनिंग में अच्छा बैटिंग कर लेता है। पिछले मैच में 23 रन बनाया था, ठीक है, जीएल में ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन सामने भी अच्छा बॉलर है, हैदराबाद की तरफ से भी अच्छा बॉलर है, ठीक है, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर फुल तरीके से कोलकाता को सपोर्ट कर रहे हो तो ही इसको अपनी टीम में रखना, वरना हिट एंड मिस प्लेयर है, ठीक है, मुझे लगा कि 50-50 कॉल है ये। वेंकटेश अय्यर की बात करते हैं, इस वेन्यू पे अय्यर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब है, और सारे अगेंस्ट में भी रिकॉर्ड खराब है, लेकिन अगर देखोगे यहाँ पे अहमदाबाद में इसका रिकॉर्ड अच्छा था, इसलिए मैंने इसको अपनी टीम में रखा था और ग्रैंड लीग भी जिताया था, लेकिन आज के मैच में मैं इस पर रिस्क ले सकता हूँ। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वेंकटेश अय्यर फ्लॉप होने का चांस लगभग 80% है, आज के मैच में वेंकटेश अय्यर फ्लॉप हो सकता है। श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, इस वेन्यू का अच्छा रिकॉर्ड है, कैप्टनसी पारी खेला था पिछले मैच में, लंबा पारी खेला था, तो स्मॉल लीग टीम में लेके चलो, 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा श्रेयस अय्यर, ऊपर से टीम का कैप्टन है, प्रेशर तो रहेगा इसके ऊपर, लेकिन मुझे कोलकाता थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट लग रहा है आज के मैच में, तो कहीं ना कहीं अगर सेकंड इनिंग बैटिंग किया तो श्रेयस अय्यर तो कन्फर्म आपको अच्छा खासा पॉइंट देके जाएगा 50 से, फर्स्ट इनिंग में अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो एवरेज पॉइंट देके जाएगा, लेकिन हाँ ट्रंप है लेके चलो, ड्रॉप मत करो। आगे बात कर लेते हैं नीतीश राणा का, इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, मैं तो बोलता हूँ जीएल में आज ये ट्रंप कार्ड प्लेयर होगा, जीएल में ड्रीम टीम में आ सकता है इसका, लोग ना वेंकटेश अय्यर के साथ जाएगा लेकिन राणा के साथ नहीं जाएगा, मुझे लग रहा है कि आज वेंकटेश अय्यर से बढ़िया पॉइंट नीतीश राणा देके जाएगा, तो अब वेंकटेश अय्यर से बेटर पिक रहेगा राणा, तो मैं बोलता हूँ वेंकटेश अय्यर अगर रख रहे हो उसको ड्रॉप करके राणा को रख लो, ये कम से कम नहीं तो 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, क्योंकि इस वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है, हैदराबाद के केस में भी अच्छा रिकॉर्ड, और अभी लास्ट मैच भी बढ़िया खेला था। रिंकू सिंह की बात करते हैं, इसका बैटिंग बहुत नीचे है, बस यही बात है, अगर आप हैदराबाद को जिता रहे हो तो ही इसको ट्राई करना, सिर्फ जीएल में ट्राई करना, बैटिंग बहुत नीचे है भाई, इस सीजन चल भी नहीं रहा है क्योंकि बैटिंग ही बहुत नीचे है। रसल की बात करते हैं, हीटर बैट्समैन है, इस वेन्यू पे रिकॉर्ड देखो 43 का एवरेज रिकॉर्ड है, हैदराबाद के अगेंस्ट में 27 का एवरेज रिकॉर्ड है, 9 मैच में 8 विकेट, 16 मैच में 20 विकेट, भाई साहब 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, टीम में ले रखेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाऊंगा लेकिन टीम में लेके जाऊंगा। रमनदीप सिंह की बात करते हैं, 13 का एवरेज रिकॉर्ड, बैटिंग नहीं आ पाएगा इसका, बैटिंग बहुत नीचे है, फ्लॉप जाएगा। मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। मिचेल स्टार्क ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भाई साहब पावर प्ले में विकेट चटका देता है भाई, खतरनाक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिछले मैच में 3 विकेट लिया था, ठीक है, इसका यहाँ पे लिखा नहीं है, अपडेट नहीं है, 3 विकेट है, 3 विकेट लिया था, अगर ये मेरी टीम का कैप्टन होता ना तो मेगा कंटेस्ट 2 करोड़ जीतता उस दिन, सोचो 12 लाख विनिंग हुआ था, इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, तो आज भी 2 से प्लस विकेट लेके देगा। हर्षित राणा कन्फर्म रखना, इसको बिल्कुल ड्रॉप मत करना,
एसआरएस के अगेंस्ट में इसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, 3 मैच में 5 विकेट लिया है, हर मैच में विकेट ले रहा है, तो आज कैसे नहीं लेगा। ऊपर से दैत्य में बॉलिंग करेगा, 2 से प्लस विकेट लेके देगा। वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे स्पिनर को तो पूरे हेल्प मिलता है, और सेकेंड इनिंग में अगर कोलकाता पहले बैटिंग करे तब तो ये भाई साहब 3 विकेट। मैं तो बोलता हूँ कि आज जिसको जीएल में क्या स्मॉल लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई चलेगा नहीं चलेगा, चक्रवर्ती को रख लो, 3 से प्लस विकेट लेके देगा। वैभव अरोरा बॉलिंग कर सकता है कब, जब कोलकाता पहले बैटिंग करे तो वैभव अरोरा बॉलिंग करने आ सकता है, तो कई बार बॉलिंग करता है इस वेन्यू पे, 2 मैच में 3 विकेट, जीएल में ट्राई करना। बाकी मनीष पांडे का चांस नहीं है खेलने का, 33 का एवरेज रिकॉर्ड है, शिखर भरत का भी नहीं चांस है, रदरफोर्ड 10 का एवरेज रिकॉर्ड है, अनुकूल रॉय 2 मैच में 1 विकेट, रघुवंशी 1 मैच में 24 रन बनाया है, चेतन साकारिया को मौका ही नहीं मिल पा रहा है, 2 मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच में 3 विकेट, सुयास शर्मा विकेटलेस है, दुष्मंता चमेरा अगर देखोगे उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। अब हैदराबाद की तरफ से बात करते हैं, अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड। अभिषेक शर्मा पिछले मैच में बैटिंग से फ्लॉप था, 12 रन बना के आउट हो गया था, लेकिन 2 विकेट लिया था। मैंने क्लियरली बोला था अभिषेक शर्मा को बॉलिंग मिल सकता है, क्योंकि लैपटॉप ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, राजस्थान की तरफ से सिर्फ जायसवाल को छोड़ के पूरे राइट ही भरा पड़ा था, और भाई साहब वही हुआ, 14 का एवरेज रिकॉर्ड है, 21 का एवरेज रिकॉर्ड है केकेआर के अगेंस्ट में, ठीक है। बैटिंग वही बात है, आज फिर से बॉलिंग मिल सकता है, मैं स्मॉल लीग टीम से ड्रॉप नहीं करूंगा भाई, सबके टीम में होगा, मैं भी अपनी टीम में रखूंगा, जहां तक कि कैप्टन भी बना सकता हूं। ट्रेविस हेड की बात करते हैं, 34 का एवरेज रिकॉर्ड है, ठीक है, लेकिन केकेआर के अगेंस्ट में 2 मैच खेला था और बढ़िया पारी खेला है, 75 यहां पर गलत लिखा गया है, लगभग 30-32 का एवरेज रिकॉर्ड है ट्रेविस हेड, ठीक है। तो स्मॉल लीग में दोनों को रखो, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे ट्रेविस हेड पे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है आज के मैच में। ट्रेविस हेड मुझे तो फ्लॉप दिखाई दे रहा है, ट्रेविस हेड मैं तो फ्लॉप बोल रहा हूँ, ट्रेविस हेड जीएल में मैं तो मैक्सिमम टीमों में ड्रॉप करके चलूंगा इस ट्रेविस हेड को, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। राहुल त्रिपाठी की बात करते हैं, पिछले मैच में 37 रन का पारी खेला, इस वेन्यू पर अच्छा रिकॉर्ड है, ट्रेविस हेड से बड़ा अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पास त्रिपाठी, स्मॉल लीग टीम में लेके चलो। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करते हैं, पिछले मैच में कुछ कर नहीं पाया था नीतीश कुमार रेड्डी, फ्लॉप था, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, इसको मुझे लगा या तो सुनील नारायण या तो चक्रवर्ती कोई ना कोई चक्का देगा, फिर भी आपको बोल रहा हूँ उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं करेगा, 20 से लेकर 25 रन के बीच में ये आपको बनाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद एडम मरकरम की बात करते हैं, पिछले मैच में आपने देखा होगा बॉलिंग भी मिला था, बैटिंग से फ्लॉप था, पता नहीं आज खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन हाँ अगर सेकेंड इनिंग में अगर हैदराबाद बैटिंग करे सेकेंड इनिंग में तो मरकरम आज के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, क्योंकि मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ आज एडम मरकरम को कोई नहीं रखने वाला है, क्लियर बता रहा हूँ मरकरम को कोई नहीं रखेगा, और ये ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाएगा आज। मुझे जहाँ तक फीलिंग्स आ रहा है आज एडम मरकरम ही बेस्ट रहेगा आज स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर, क्योंकि अगर आप ऐसे प्लेयर को रखते हो ना जिन पे किसी का निगाह नहीं होगा, ये प्लेयर आपको जिता सकता है। मरकरम बहुत बड़ा प्लेयर है भाई, रिकॉर्ड अच्छा है कोलकाता के अगेंस्ट में, और आज मुझे लग रहा है कि अपनी टीम को एक अच्छा खासा स्कोर बना के देगा, देख लेना। हैनी क्लासन तो है ही इंपॉर्टेंट, मैंने पिछले मैच में बोला ही था 50 रन बना के देगा, आज भी ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको 40 से प्लस ही पॉइंट देके जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाऊंगा लेकिन टीम में जरूर रखूंगा। हाँ, पहले अगर हैदराबाद बैटिंग करे तो वाइस कैप्टन बना सकते हो, ट्रेविस हेड से बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए वाइस कैप्टन। अब्दुल सामद की बात करते हैं, पिछले मैच में 0 रन बनाया था, इसका फॉर्म अच्छा नहीं है, मैं नहीं रखूंगा इसको। शहबाज अहमद आज फिर से बॉलिंग कर सकता है, 4 मैच में 6 विकेट, पिछले मैच में भी मैंने बोला था 3 मैच में 3 विकेट लिया इस वेन्यू पे, और देखो पिछले मैच में 18 रन का पारी भी खेला, 3 विकेट लिया, सर लगभग 100 से प्लस पॉइंट दिया था, और 3% सिलेक्शन था, मैंने क्लियरली बोला था कि शहबाज अहमद आज बॉलिंग से विकेट जरूर लेगा और आज भी ले सकता है, लैपटॉप ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, 1 विकेट इसके खाते में आएगा। पैट कमिंग्स, टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार, पिछले मैच में अगर आपने देखा होगा नटराजन को पूरे ओवर बॉलिंग नहीं मिला था, लेकिन आज के मैच में नटराजन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट है, तो ये तो खैर रहेगा स्मॉल लीग साथ में ग्रैंड लीग में, 2 से प्लस विकेट लेके देगा, 7 मैच में 6 विकेट। पैट कमिंग्स आज आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगा, ऊपर से कैप्टनसी बहुत खतरनाक करता है, वैसे प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि आज बैटिंग भी करेगा, ठीक है। कोलकाता के साथ जब भी मैच होता है ना पैट कमिंग्स का बैटिंग कन्फर्म आता है, तो ये तो है ही ट्रम्प और वाइस कप्तान के लिए भी फिक्स प्लेयर है। भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं, 11 मैच में 7 विकेट, 29 मैच में 32 विकेट, 3 मैचों से भुवनेश्वर कुमार ने विकेट नहीं लिया, आज मुझे लगा कि भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में विकेट लेके जाएगा, किसका विकेट लेगा बताऊं, गुरबाज का आज विकेट ले लेगा भुवनेश्वर कुमार, देख लेना, तो जीएल टीम में ट्राई करना क्योंकि आज 1 विकेट तो खैर कन्फर्म है, किस्मत साथ दिया 2 भी विकेट लेगा, जो कि जीएल के लिए एक भुवनेश्वर कुमार एक एडम मरकरम दो प्लेयर हैदराबाद की तरफ से आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा, और कोलकाता की तरफ से नीतीश राणा, ठीक है।
आकाश सिंह, अनमोलप्रीत सिंह, फजल फारूकी का रिकॉर्ड देखोगे तो खेला है फजल फारूकी, 4 मैच में 4 विकेट लेकिन खेलेगा नहीं। क्लेन फिलिप्स है, सुब्रमण्यम है, वाशिंगटन सुंदर है, उमरान मलिक फास्ट बॉलर है और 4 मैच में 6 विकेट लिए हेड टू हेड में। मयंक मार्कंडे अगर खेला है तो 1 मैच में 2 विकेट, स्पिनर को अगर हेल्प मिलता है खेल सकता है मयंक मार्कंडे, 5 मैच में 7 विकेट। मार्को जेनेसंस 3 मैच में 2 विकेट। यहाँ पे मयंक अग्रवाल, ठीक है, विजयकांत जिनका एवरेज रिकॉर्ड है, सनवीर सिंह एवरेज रिकॉर्ड है। अच्छा, प्लेयर बैटल हम लोग देख लेते हैं। श्रेयस अय्यर जो टीम का कैप्टन है उसको भुवनेश्वर कुमार ने 3 बार आउट किया और सुंदर ने 2 बार, रसल को मार्कंडे ने 2 बार और भुवनेश्वर कुमार ने 2 बार आउट किया रसल को, ठीक है। नीतीश राणा को नटराजन ने 3 बार आउट किया लेकिन रन दिया है। वेंकटेश अय्यर को जेनेसंस ने 3 बार आउट किया, मार्को जेनेसंस, और अग्रवाल को रसल ने 3 बार और सुनील नारायण ने 2 बार आउट किया। मेरा प्रेडिक्शन सुन लो, केकेआर का जीतने का चांस 55% है, हैदराबाद का 45% चांस है और मुझे लगा कि 6-5 का कॉम्बिनेशन आप टीम बना सकते हो, ये आपके लिए बेटर रहेगा। कल भी मैंने आपको लाइव सेशन में हैदराबाद के बारे में बताया था, हैदराबाद जीत सकता है, और कल का वीडियो का प्रेडिक्शन तो बहुत खतरनाक था। तो फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पे फाइनल टीम दूंगा। सुनील नारायण आज आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा। वेंकटेश अय्यर ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकता है लेकिन वेंकटेश अय्यर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे तो, वरना मुझे लग रहा है कि आज के मैच में सेकंड इनिंग में वेंकटेश अय्यर फ्लॉप रहेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेंकटेश अय्यर, क्योंकि इस रिकॉर्ड पे इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वेंकटेश अय्यर का, ठीक है। गुरबाज की बात करते हैं, सेकंड इनिंग में फ्लॉप होगा गुरबाज, और श्रेयस अय्यर की बात करते हैं आज ये मैच में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और वेंकटेश अय्यर से बेटर ऑप्शन आज नीतीश राणा रहेगा, राणा जीएल में ट्राई करना। आपको मैंने 2 प्लेयर बताया हैदराबाद का, 1 प्लेयर बताया कोलकाता का, रिस्की प्लेयर। 6 जो पॉइंट है, आंद्रे रसल बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगा। रिस्की पिक में आज रिंकू सिंह को ट्राई कर सकते हो अगर सेकंड बैटिंग करे तो, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा, वेंकटेश अय्यर लिखा गया, वरुण चक्रवर्ती आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा, 2 से प्लस विकेट लेके देगा वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। मिचेल स्टार्क आज ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, 2 से प्लस विकेट लेके देगा मिचेल स्टार्क। हर्षित राणा सेकंड इनिंग में देखोगे ना 2 से प्लस विकेट लेके देगा, इंपॉर्टेंट होगा। ट्रेविस हेड अगर पहले बैटिंग किया तो 40 से प्लस पॉइंट देगा, सेकंड बैटिंग में रिस्क ले सकते हो। अभिषेक शर्मा फर्स्ट इनिंग में अच्छा बैटिंग करेगा आज के मैच में। नीतीश कुमार रेड्डी लगभग 30 के आसपास पॉइंट देने वाला है। हेनरी क्लासन आज के मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा। पैट कमिंग्स बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा। नटराजन आज के मैच में 2 से प्लस विकेट लेके देगा। भुवनेश्वर कुमार 1 से प्लस विकेट लेके देगा। वरुण चक्रवर्ती ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, 2 से प्लस विकेट लेगा। दोस्तों चलिए टीम बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, देखो मेरे तरफ से ना आपको 50,000 का फ्री गिवे मिल रहा है लीग 11 पे, ठीक है। 50,000 का फ्री गिवे है, अभी तक ये फुल भी नहीं हुआ, आप लोग जाके ज्वाइन कर लो, 4 टीम बना सकते हो, 4 टीम 50,000 का फ्री गिवे है। लीग 11 का लिंक कहाँ पे मिलेगा अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, और ये गिवे उसी को दिखाई देगा जो मेरे रेफरल से डाउनलोड करोगे, ठीक है। अगर आपने पहले से लीग 11 डाउनलोड करके रखा है किसी और के रेफरल से तो ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मेरे रेफरेंस से डाउनलोड करोगे तभी मिले, तभी दिखाई देगा। साथ में GST फ्री है यहाँ पे और TDS भी फ्री है, दोनों फ्री है, तो फायदा उठाओ, सबसे लोवेस्ट एंट्री फीस भी है। तो लीगल बैंक का लिंक कहाँ पे मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। चलिए टीम बनाते हैं, सबसे पहले क्रिएट टीम करते हैं। देखो यहाँ पे हेनरी क्लासन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, गुरबाज का सिलेक्शन 58% है, फर्स्ट बैटिंग करेगा तो ही रखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चैपॉक में फंस जाएगा, वो तो थोड़ा 23 रन इसलिए बना दिया था क्योंकि अहमदाबाद में था, गुरबाज इस स्लो पिच पे नहीं चल पाता है, ठीक है। अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड फिलहाल मैं रखा हूँ। देखो वेंकटेश अय्यर का सिलेक्शन बहुत हाई है, मेरे अकॉर्डिंग तो आज अय्यर नहीं चलेगा, उससे बेटर अब मरकरम रहेगा, मरकरम को जीएल में ट्राई करना है। सुनील नारायण सबसे सेफ है, आंद्रे रसल है, तो फिलहाल ये प्लेयर तो फिक्स है, हेनरी क्लासन, ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, सुनील नारायण और रसल। लेकिन इसके पहले आप सभी को बताते हैं, फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वरना सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सर्च क्या करना, टेलीग्राम ऐप पे जाना, बिना स्पेस डाले हुए लिखना @KUMAR508TFCE, तो आपको 4,09,000 का टेलीग्राम चैनल दिखा देगा, उसमें जाके ज्वाइन लेना। आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में देखो नीतीश कुमार रेड्डी को तब ट्राई करना जब हैदराबाद पहले बैटिंग करे, क्योंकि आज ही आपको थोड़ा सा बैटिंग से भी ये पॉइंट देने वाला है। फिलहाल बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे, पैट कमिंग्स सबसे ज्यादा ट्रम्प, वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों दो दो विकेट लेके देगा। नटराजन आज के मैच में पक्का लेगा विकेट, और जहां तक की बात कर लेते हैं हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क, ये
कंफर्म रहेगा इतना इस प्लेयर में। मैंने यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन वाइस कप्तान भी बना के दिखाता हूँ, सेफ कैप्टन और वाइस कप्तान। देखो अभिषेक शर्मा बॉलिंग भी कर सकता आज के मैच में, मेरे अकॉर्डिंग आज सुनील नारायण कैप्टन है, अभिषेक शर्मा वाइस कप्तान है। एक बार टीम देख लो भाई, सेव क्यों नहीं हो रहा, हो गया। ओ अच्छा दूसरा टीम बन गया, चलो कोई नहीं, ये टीम बन गया। देखो ये मेरा स्मॉल लीग टीम है, ठीक है। मैं तो इस टीम में कोई भी छेड़खानी नहीं करूंगा, ज्यादा ज्यादा अगर आपको चेंज करना है तो आप चाहो तो नीतीश कुमार रेड्डी और मरकरम को ट्राई कर सकते हो। देखो आज मैं तीन रिस्की प्लेयर के बारे में बता रहा हूं, तीन रिस्की प्लेयर जो कि आज के लिए ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकता है। एक तो सबसे पहले नीतीश राणा, ठीक है, सबसे फर्स्ट ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। इधर से आपको बताता हूं, इधर से भुवनेश्वर कुमार आज पावर प्ले में विकेट ले सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो गुरबाज का विकेट चटका सकता, उसके बाद देखोगे सुनील नारायण का भी चटका सकता, ठीक है। ये दो प्लेयर हो गया, और एडम मरकरम जिनका सिलेक्शन बहुत कम है आज के मैच में। एडम मरकरम, नीतीश कुमार रेड्डी और भुवनेश्वर कुमार जिनका सिलेक्शन आपको 3-3 या 10-10, 5-5% दिखाई देगा। और एक शहबाज अहमद कल के वीडियो में जैसे मैंने बताया था, शहबाज अहमद को भी ट्राई कर सकते हो। तो कैप्टन वाइस कप्तान ये मेरा फिक्स है, आप रिस्क ले सकते हो। आज ट्रेविस सेट पे ले सकते हो, गुरबाज पे ले सकते हो रिस्क। और बाकी ग्रैंड लीग का मैं टिप्स बता रहा हूँ, बाकी जो रिस्की प्लेयर है वो हम आपको अपडेट कर देंगे लाइव सेशन में। लाइव सेशन का कितना बजे आते हैं, 5:45 पे, तो मेरे इसी चैनल पे हम मैं लाइव आऊँगा, आप जुड़ जाना। और फाइनल टीम टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक ग्रैंड लीग टीम आपको बताता हूँ, ग्रैंड लीग टीम में क्या करना, सिंपल सी बात करते हैं। ट्रेविस सेट को ड्रॉप करो, ठीक है, ग्रैंड लीग टीम में। और आपको किसको ड्रॉप करना है, पैट कमिंस बिल्कुल मत करना, इसके जगह भुवनेश्वर कुमार रख लो बस, ठीक है। और आप जिताओ इसमें है, आप हैदराबाद को, जिसमें कि हैदराबाद को अगर आप जिता रहे हो तो फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेनरी क्लासन को कैप्टन, वाइस कप्तान अभिषेक शर्मा ऐसे बना सकते हो। और जहाँ तक कि नीतीश राणा को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, अगर ट्रेविस हेड की जगह करना हो तो इसको कर सकते हो ट्राई, ठीक है। और मरकरम को अगर आपको रखना है तो किसके जगह रखोगे मरकरम को, तो देखो यहाँ पे बॉलिंग में हर्षित राणा भी इंपॉर्टेंट है, मिचेल स्टार्क की जगह मरकरम को रख सकते हो, ठीक है। बस ये जीएल में ट्राई कर सकते हो, बाकी फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पे ही दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।